ये कहाँ है जमाल? अरे कहाँ है? थोड़ा पीछे हो जाओ गाइस, किसी को नहीं मिलेगा ऐसे उसी साथ रहोगे तो आप लोग। अरे आप कुछ कर तो रहे हो, मेरे को तो आगे आने दो।
Diamonds that are Caesar diamonds, we would have found. So this is entire precious real stone and jewel. चलिए, वो आप लोग इतनी दूर आए हैं थाने में, and feels good to see all of you, familiar faces. अच्छा रूपाली मैम, कलेक्शन की बात तो थोड़ा डिले करते हैं, जो पब्लिक का जो सपोर्ट, जो प्यार मिला आपको, जिस तरह से है, जिस तरह सबको घेरा गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं क्या ही कहूँ, मतलब दिल से भगवान के लिए यू नो धन्यवाद निकलता है, राजन शाही जी के लिए दिल से मतलब दुआएं निकलती हैं कि इस मुकाम पे लाए हैं, कि एक गृहिणी को उन्होंने इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि लोग मुझे देखकर खुश होते हैं. मतलब हाँ, अगर कोई आफ्टर 6.5 years ऑफ ब्रेक अगर वापस आना और इस तरह से वापस आना कि इस तरह का प्यार मिले, तो थू थू थू, बस भगवान की बहुत असीम कृपा है. आपका काम भी इतना अच्छा है कि लोग थैंक यू. मुझे जनरली बहुत अच्छा लगा. एंड मनु भाई बहुत बड़ा नाम है, बहुत पुराना नाम है, तो उनके साथ किसी भी तरह से एसोसिएट होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आज उनके इस स्टोर की ओपनिंग में आई हूँ. और यू नो और वो भी आज लक्ष्मी पूजा के दिन, आज हमारे बंगालियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, कोजागिरी पूर्णिमा, तो लक्ष्मी पूजा है आज. और आज आई हैव टू, मतलब आज मैं खोज के आज थोड़ा जल्दी छोड़ दो, ज्वेलरी शॉप्स बंद हो जाएंगे, मुझे जाना है, मुझे कुछ तो आज ख़रीदना है, आज लक्ष्मी पूजा है. तो देखो, माँ ने खुद ही मुझे यहाँ पर भिजवा दिया कि आ जा यहाँ पर और पूरा स्टोर में से जो चाहिए आराम से ले ले शॉपिंग का. अंदर की इच्छा पूरी कर दी, अंदर की इच्छा पूरी हो गई. कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो और क्या कुछ आपको पसंद है, आप पूरा घूमे तो. मैंने कहा ना कि मनु भाई बहुत पुराना नाम है, एंड इट इज़ एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद दिस नेम. किसी भी तरह से, भले ही एक छोटी सी इनॉग्रेशन के हिसाब से, लेकिन आई एम ऑनर टू बी हियर. काफ़ी ज्वेलरीज देख रही थी, जी डायमंड्स की देख रही थी, ज्वेलरी देख रही थी, उसमें सबसे खास चीज़ क्या लगा? मुझे गोल्ड का बहुत शौक है, एंड मुझे ज्वेलरी का, आई थिंक हर औरत को ज्वेलरी का शौक है, एक भी ऐसी औरत नहीं होगी जो कहेगी कि मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है. तुझे भी है ना, मतलब थोड़ा तो कुछ ना कुछ हम पहन ही लेते हैं. तो शी इमिजिएटली, जैसे मैंने कहा कि ऐसे तो शी डिड दिस, कि मैंने बहुत कम पहन रखा है. तो हर औरत को ज्वेलरी का शौक होता है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि गोल्ड प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इस वक्त, तो इम्पॉर्टेंट ये है हम औरतों के लिए कि किसी तरह से लाइट वेट ज्वेलरी हो जो रोज़मर्रा हम पहन सकें, डेली वेयर ज्वेलरी, यानी कि हमने बड़े बड़े सेट्स ले लिया, वो लॉकर में ही पड़े रहते हैं, वो बाहर निकलते नहीं हैं, अगर हमें कोई स्पेशल ओकेजन हो, कोई शादियाँ हो या कहीं जाना हो, तब तक निकलते नहीं हैं. सो इट्स दीज लाइट वेट ज्वेलरी एंड विच इज़ ईजी ऑन द पॉकेट ऑल्सो, जो डेली वेयर के लिए आप रगड़ रगड़ के यूज़ कर सकें, जिन्हें मतलब आपको पता है कि ये ख़राब नहीं होगी, चलो ठीक है पहन लिया, वैसी वाली ज्वेलरी. एंड मैं वही देख रही थी कि मुझे अनुपमा में अपनी बैंगल्स थोड़ी कुछ और पहनना था, कि मैं वही पहनती हूँ रोज़, तो आई वॉज लुकिंग फॉर बैंगल्स एंड आई थिंक आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. मैम फेस्टिव सीजन है, करवा चौथ भी ऑन द वे है, दिवाली भी है, तो किस तरीके से आप तैयारी करने वाले इस बार? ये तो हमारी संस्कृति है कि सही टाइम है, मतलब स्टोर को इस तरह से प्रमोट करना. आज से शुभ दिन और क्या हो सकता है, आज लक्ष्मी पूजा है, तो उस दिन में घर की लक्ष्मी आए और ये मनु भाई के स्टोर से शॉपिंग करें. जितने भी थाने में हैं आसपास, जितनी भी महिलाएं हैं, गृहणियाँ हैं, आई वुड रियली टेल देम, जेन्युइनली, ऐसे नहीं कि बिकॉज मैं आई हूँ यहाँ पर तो मैं आपसे कह रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं कहूँगी प्लीज़ आइए और यहाँ से यू नो कुछ थोड़ा सा खरीद कर ले जाइए, बिकॉज हमारी संस्कृति में ही है. मैं कह रही थी कि किसी तरह से हमें सबको एक दिन दिया गया है कि आज थोड़ा सा कुछ खरीद लो, थोड़ा सोना खरीद लो, थोड़ा चांदी खरीद लो, थोड़ा कुछ खरीद लो, ताकि एक तरह से हमारी पूंजी जमा होती रहे. एवरी वुमन, उनकी अपनी जो स्त्री धन है, जो पूंजी है, वो उनके गहने हैं. एंड तो थोड़ा थोड़ा ही करके सही, छोटी छोटी इयर रिंग, छोटी छोटी बालियाँ,
कुछ कुछ करके ही सही, थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए. आज लक्ष्मी पूजा है, फिर करवा चौथ है. करवा चौथ पे तो पति को लेकर ही आओगे. मैं भी मेरे पति को ले जाती हूँ, वो डरते हैं करवा चौथ से. यार बजट तो अपना हर एक का अलग अलग हिसाब से होता है, बट आई ठीक है, मतलब जो भी चलता है उसके बाद. हाँ हाँ नहीं, बट उनके लिए भी तो जमा ही कर रही हूँ ना, तो मैं जमा करूँगी तो उनका भी तो होता है. और फिर उसके बाद धनतेरस आ गया. सो देयर अच्छा है, दिस होल फेस्टिव सीजन विल बी फन. अनुपमा को लोग काफी प्यार देते हैं जी. अनुपमा में क्या ट्विस्ट आने वाला है? अनुपमा में काम करना मतलब आप ऐसे रॉ ऑफिस में काम करते हैं, सीआईडी ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो नीचे के रंग के होते हैं, उनको जो ऊपर के लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो कुछ पता नहीं होता. तो हम लोग जो है वो सबऑर्डिनेट्स हैं, हम सारे एक्टर्स हैं. हम तक स्क्रिप्ट पहुँचती है जब ऊपर से सारी प्लानिंग हो जाती है, सब ऊपर से तैयारी होकर हमारे पास फाइनल स्क्रीन पे आता है. अच्छा ये कल शूट करना है, अच्छा ये तो मुझे कल तक की स्टोरी पता है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है. मैडम जी, मन्नू भाई ज्वेलर्स का आपने अपने हाथों से इनका दीप जलाया है, और मन्नू भाई जी के लिए कुछ और शुभ संदेश क्या देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू मन्नू भाई, ये एक ऐसा स्टोर जो जी जी जी. सो मैं सच्ची मैंने कहा भी आने के साथ कि थैंक यू, आप सब इतनी दूर आए और मेरे लिए आए. जेन्युइनली थैंक यू सो मच. एंड आई नो बॉम्बे की ट्रैफिक के बावजूद आप सब यू हैव कम हियर, सो थैंक यू जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. मनु भाई के लिए ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू ये स्टोर खोलने के लिए यहाँ पर, जहाँ पर हर गृहिणी आ सकती है. मतलब ये नहीं है कि अरे मेरे पास इतने से ही पैसे हैं तो मैं शायद कुछ ना ले पाऊँ. हर किसी के लिए थोड़े से भी, जो भी बजट है आपका, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है. तो चाहे थोड़ा ही सही लेकर लेकर जाइए यहाँ से. अरे बाकी वायर ले, Brand which is well known,
बचपन से हमने मनु भाई का नाम सुना है और आज उनके स्टोर में आने मिला, वो भी इतनी मतलब इस तरह से आप लोगों ने वेलकम किया एंड आई जस्ट फील सो ऑनर्ड. We are happy to have you here. Thank you so much. So anything you would like to say, like, because this is Everyday Elegance ka concept, we have all been everyday jewelry, so anything you would like to say. I love the vibe of Thane. I love the vibe of this place. And I love the fact that Manu Bhai has come up in this locality with jewelry which is everyday wear, which is lightweight and easy on the pocket. So it's wonderful. Now just like to ask some questions with my excuse me, 1 minute. Ye logo ye logo ye logo.